सच बोलते हैं yes, जबरदस्त नमाज पढ़ते हैं yes, लीडर की इज्जत करते हैं yes, जी yes, बोलो ना yes, लीडर की इज्जत करते हैं yes, ये आदतों का बिजनेस है। जैसे कपड़े बदलते हैं, जैसे गुसल करते हैं, जैसे नाश्ता करते हैं, जैसे दिन का खाना खाते हैं, जैसे रात का खाना खाते हैं, ऐसे ही इन्विटेशन करनी है। yes, अगर आप सब कुछ करते हैं नेटवर्क की दुनिया में, ई कॉमर्स की दुनिया में, फार्म हाल की दुनिया में, ई जूम की दुनिया में, बट आप इन्विटेशन नहीं करते, तो इसका मतलब ये हुआ आप कुछ नहीं करते। आप नाश्ता भी करते हैं, आप कपड़े भी बदलते हैं, आप कमीज भी करते हैं, आप परफ्यूम भी लगाते हैं, आप सब कुछ करते हैं, बट नवाब साहब इनविटेशन नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ आप कुछ नहीं करते। yes, yes, yes. इसका मतलब है आप कुछ नहीं करते, इनविटेशन नहीं करते, तो भाई कपड़े बदलने से कोई फायदा नहीं होने वाला, परफ्यूम लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर ये सारा कुछ करने के बाद आप इनविटेशन करते हैं तो आपके नंबर 100% पूरे हैं। फॉलो कर रहे? तो आज से इनविटेशन शुरू कर दी। क्या कर दी? इनविटेशन शुरू कर दी, इनविटेशन शुरू कर दी। सबसे ज्यादा एक लफ्ज़ लिखे अपने पास, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, जिसका नाम सुनो है सी मोर पीपल। बैकिंग एटीट्यूड, ओनली गिविंग एटीट्यूड, दावा देते वक्त भिखारियों वाला रवैया नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग भिखारी की तरह दावा देते हैं, यू नो। आज के बाद जब भी दावा देनी है कौन सा रवैया होना चाहिए? गिविंग एटीट्यूड, देने वाले रवैया। आप जब किसी को बुला रहे हैं आप उसकी नस्लों पे एहसान कर रहे हैं, वो आप पे एहसान नहीं कर रहा। अगर कोई ट्रेनिंग लेता है तो भाई आप उस पे एहसान कर रहे हैं, अगर कोई बेसिक ट्रेनिंग लेता है आप उस पे एहसान कर रहे हैं, अगर कोई शॉप होल्डर ट्रेनिंग लेता है आप उस पे एहसान कर रहे हैं, अगर कोई स्किल ट्रेनिंग लेता है आप उस पे एहसान कर रहे हैं, वो आप पे एहसान नहीं कर रहा। अंडरस्टैंड? तो आज की ट्रेनिंग अगर अच्छी लगे, यहां से जब रूम से बाहर निकलेंगे अपने लीडर का जिसने आपको यहां पे बिठाया है उसका दिल से शुक्रिया अदा करना है। कहना सर आपका शुक्रिया, आज की ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे काम करने का अंदाज और ज्यादा अमार हो गया है, मुझे समझ आ गई है काम आसान है, बस हमें वैसे ही मुश्किल नजर आता था, वैसे ही मुश्किल बनाया हुआ था। अगर समझ आई तब जाके लीडर का शुक्रिया अदा करना है, अगर समझ नहीं आई तो बेशक बूथा बना के चले जाए। फॉलो करेंगे मेरी बात? तो क्या करना है जी? दावत देनी है। क्या करना है? दावत देनी है। किस एटीट्यूड से देनी है? गिविंग एटीट्यूड। भिखारी वाला रवैया नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं अल्लाह का वास्ता आ जाए, तू आ गया तो मेरी टीम बन जाएगी, तू नहीं आएगा तो मेरी टीम नहीं बनेगी, तू आएगा तो मेरा बोनस बनेगा। और अल्लाह के बंदे एक लफ्ज लिखो, जिंदगी में कोई किसी के मफाद के लिए काम नहीं करता, हर कोई अपने मफाद के लिए काम करता है। कोई किसी के लिए काम नहीं करता, हर आदमी अपने लिए काम करता है। और खबरदार आज के बाद अगर आपका एटीट्यूड भिखारियों वाला हुआ, Yes, sir. आप उसको दे रहे हैं, आप उसको रास्ता दे रहे हैं, आप उसको सिस्टम दे रहे हैं, ये मामूली बात है। इस दौर में अगर आप किसी को जिंदगी बदलने का चांस दे दें, yes, मामूली बात है। yes, जिंदगी बदलने का, बेटा इधर सुनो, छोड़ो आपस में, छोड़ो मुझे सुनो यार, मुझसे पूछ लो यार, ये मामूली बात है, ये छोटी बात है कि आप किसी को जिंदगी बदलने का एक चांस दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज के बाद जब फिजिकली दावत देते हो तो 8-10-20 दावतें खड़का दिया करो, फिर मोबाइल यूज कर लिया करो, हर जगह पे पंगा लेना है। इनविटेशन की बात कर रहा, इसके अलावा नहीं लेना। समझ आ रही मेरी बात? और जब तक आप प्रॉपर इनविटेशन करके रात को ना सोए आपको नींद ना आएगा।